सो हेलो गैस, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे ये, और आपको बहुत बहुत बधाई हो ईद मुबारक के लिए। गैस, मैं आज आप लोगों को एक ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। ट्रेंडिंग ऐसा एक टॉपिक है जिससे कि आप टिकटॉक में यूज करके आप बहुत आगे बढ़ सकती है, और इतना यूजफुल होगा और इतना मज़ेदार होगा। मैं अभी आप लोगों को दिखाया, जैसा वो स्टार्टिंग में देखा, इस टाइप का वीडियोस आपको टिकटॉक में डालना है तो इस वीडियो को स्किप मत करके एंड तक देखना। और इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे नॉलेजेबल और टिकटॉक का एडिटिंग यूट्यूब के लिए आपको मोबाइल सॉल्यूशन के लिए बहुत फ़ायदा हो सकती है। तो गैस, मैंने बिना किसी रुकावट से अपना वीडियो स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो गैस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ आपको शूट कैसे करना है और किस टाइप के एडिटिंग करना है। तो आपको शूट करने के लिए मोबाइल या कैमरा से शूट कर रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही स्टैम्प पर रखना है। रखने के बाद आपको कैमरा एक बार ऑन करना है, मेरा मतलब वीडियो एक बार ऑन करना है। ऑन करने के बाद किसी भी तरह आपको इसको हाथ मत लगाना, आपको सिंपल फोकस देकर अभी आपका जो मौसम का इतना अच्छा नहीं है तो आपको फोकस देकर वीडियोस बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो वीडियोस आपको जो इस तरह का बनाना पड़ेगा। तो वीडियो बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटिंग कैसे करना पड़ेगा, आपको जो आपका पास क्राइम मास्टर है तो क्राइम मास्टर अब है तो बहुत अच्छा होगा, और क्राइम मास्टर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं तो क्रोम ब्राउज़र से आप डाउनलोड कर सकती है। तो गैस, मैं आप लोगों को एडिट कैसे करना है तो अब सिंपली जाकर मैंने क्राइम मास्टर के अंदर जाकर बता देती हूँ। तो गैस, बन ले चुकी है मोबाइल स्क्रीन पर। आपको किसी तरह का वीडियो शूट करना है, पहले आप लोगों को हम लोगों को मिलकर वीडियो कैसे शूट करना है देख लेती हूँ। तो देखिए, वीडियो आपको इसी तरह का शूट करना पड़ेगा। तो अब देखिए, आपको यहाँ पर आकर ऊपर से ऐसा जम करना है। जम करने के बाद अब दूसरे किसी को लगाना है ताकि इसको समझ में आ जाएगा। अब बोतल से पानी पीकर ऐसा कुछ हुआ, ये देखिए, हाँ इस तरह का देखकर ऐसा उसका मुंह से क्या निकाला इसे देखकर उनको शक हो जाना चाहिए, इसलिए इस टाइप का पार्ट लेना है। तो पार्ट लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्राइम मास्टर के अंदर जाना पड़ेगा। तो गैस, मैं क्राइम मास्टर के अंदर आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस वाला आइकन जो है इस पर आपको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद मैंने जो टिकटॉक या वीमेट का साइज में वीडियो शूट किया था कैमरा खड़ा करके, तो मैंने 916 वाला सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप लोगों को जो भी पसंद है तो वो कर लेना। तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। करने के बाद जो मीडिया ऑप्शन है अब देखने को मिल रही है, इस मीडिया ऑप्शन पर जाकर मैंने इसको जो मेरा वीडियो जो है वो ले लूँगा। तो कौन सा वीडियो जो मैंने शूट किया है वही वीडियो ले लूँगा। तो गैस, मैंने वीडियो ले लिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी आप लोगों को इसी तरह जो वीडियो आपको क्या करना है, स्किप मत करके वीडियो एंड तक देखने का कि पूरे समझ में आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा आगे करना है इस तरह का, इसको पार्ट जो एक्स्ट्रा पार्ट जो है जो हमारी कम का नहीं है इस तक हमको क्या करना है, कट कर देना है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली आ सकती है किसी बिना टाइम वेस्ट किए, तो अब इसको कट कर देना है। तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपने कट कर देती हूँ। कट करने के बाद यहाँ जो ये वाला पार्ट है इतना तक गया, अब देखिए यहाँ आगे आगे करके लेना, जो ये तो जम कर दिया। हाँ, आपको इस टाइप में लेना है, जो इस टाइप में लेना है। लेने के बाद आपको इसको एक्स्ट्रा पार्ट बना लेना है। तो आप देख सकती है यहाँ जो और भी एक ऑप्शन है, ये देखिए और भी एक ऑप्शन है, इसको आप कट कर देना है। कट करने के बाद इससे भी आपको एक इमेज ले लेना है, ताकि आपको इमेज लेने के लिए 3 डॉट पर जाना होगा। तो आपको 3 डॉट पर जाने के बाद आपको देखने को मिल रही है, या आई एम सॉरी इसमें नहीं है। तो वैसे आपको जाने के लिए इस पर जाना होगा, ये देखिए आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये इस पर ही जाना होगा। इसमें जाने के बाद आपको देखने को मिल रही है जो क्या शेप फ्रेम, इसको जो आप इसे ऊपर वाला सेक्शन को सिलेक्ट करना है, तो इसमें आपको क्लिक करने के बाद एक फ़ोटो हो जाएगा। इस फोटो के लिए आपको बाद में काम आएगा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो ये वाला पार्ट है जो नीचे बैठा, ये वाला पार्ट को आप डिलीट कर देना है,
यहाँ तक से यहाँ डिलीट कर देना है, ताकि आपको वो थोड़ा जो कोई नहीं है इसी सिंपल वो बोतल है, इस बोतल को रखने, और इन से जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो मैंने जम करके नीचे बैठ गया तो इसको कट कर देना है। तो ऊपर में थीम टू जो ऑप्शन है, ऊपर का ऑप्शन में कट कर दूंगा, तो आपको ये कट करने के बाद आपको इसी तरह आने लगेगा, तो ये देखिए इस तरह आने लगेगा। तो वो तो पहले इस तक आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको सिंपल सा बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपका जो एक अच्छा नेटवर्क है, तो मेरा मतलब जो अच्छा खासा नेटवर्क चलती है, तो आपको PNG साइज के लिए एक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को आप कॉपी करके जो सिंपली बैकग्राउंड रिमूव कर सकती है। जो सिंपल आपका इतना अच्छा खासा नेटवर्क नहीं है, तो आप पिक्सार्ट ऐप को ओपन करके वहाँ से आप PNG साइज कर लीजिए। तो मैंने फाइनल ले लेती हूँ किस स्टेप का लेना है, तो आपको बता देती हूँ। तो आप पिक्सल ऐप को ओपन करिए, ओपन करने के बाद आपको इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि आप साइन अप वगैरह है तो साइन अप कर लीजिए, नहीं तो भी चलेगा, तो आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ से इसको कट कर देना है, तो आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ से एक बैकग्राउंड लेना है जो PNG सेस होगा, तो ये बैकग्राउंड लेने के बाद आपको जो फ़ोटो से जो फ़ोटो आपने लिया, तो जो ऐड फ़ोटो पर जाना होगा, तो आप देख सकते हैं ऐड फ़ोटो इस पर जाना होगा। इस पे जाने के बाद आपका जो फ़ोटो लिया था वो फ़ोटो आपको लेना है, तो आपको देख सकते हैं यह फ़ोटो है, तो इस फ़ोटो को आपको लेना है। तो आप फ़ोटो इसको ले लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए इस स्टेप का आ गया। तो आपको ये इस तरह छोटा थोड़ा सा जूम करके, तो आपको जो इंटरनेट है तो बहुत बेटर है, तो आपको इसी वाला सेक्शन पर जाकर बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो इसमें जाना है। जाने के बाद ये देखिए जो एक मुंडी का आइकन है, इसको आपको क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं आएगा, तो आपका इंटरनेट ऑन है तो तभी इस ऑप्शन को आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो ये वाला नहीं मिलेगा, तो आपको हाथ से कट करना पड़ेगा। तो आप देखिए मैं इसको रिमूव कर दूंगा, थोड़े टाइम तो लगेगी है ना, तो ऑटोमेटिकली रिमूव होगा। तो आपको क्या करना है, तो ये रिमूव करने तक या वेट करना है। वैसा नहीं हुआ तो आपको सिंपल सा इस तरह का कट करके, सिंपल सा थोड़ा सा कट करके तो आपको रिमूव में देना है। तो इस जो मैंने पहले दिया था इसी वाला रिमूव को देने, तो अच्छा से हॉट या फाइनल क्या कहेगा वो फटक करके आ जाएगा। तो थोड़ा वेट कर लेती हूँ। तो आपको क्या करना है, इसी तरह का कट करना है। तो कट करने के बाद आपको और सिंपल सा शेव कर लेना है, तो आप देख सकती हैं यहाँ, तो यहाँ से शेव कर लेना है। तो किस किस पर थोड़ी सी गलतियाँ है आप देख सकती है, थोड़ा थोड़ा करके इमेज है, तो इसको थोड़ा रिमूव कर देना है जो बैकग्राउंड। तो आपको यहाँ से फिर से जो राइट वाला आइकन है इस पर क्लिक करके सेव कर लेना है, तो आपको इस वाला को सिलेक्ट करना है, तो जाकर गैलरी को सेव कर देना। तो सेव करने के बाद आपको फिर से जाना पड़ेगा जो वही क्राइन मास्टर के अंदर। तो क्राइन मास्टर के अंदर आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दो जो आपको देखने को मिल रही, तो इसी तरह है। तो आप इससे लिया हुआ तो यहाँ से यहाँ तक उठा है जो जंप करने के लिए, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए तो लेयर पर जाना है, जाने के बाद वही इमेज को यहाँ लाना है। तो कौन सा इमेज, जो PNG साइज में आप कन्वर्ट किया था, तो मैंने वो इमेज ले लेती हूँ। तो देखिए मैंने जो इमेज लिया वो इमेज आ गया, तो ये देखिए इमेज मतलब थोड़ा छोटा होगा लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए इसको तो थोड़ा बड़ा है और इससे थोड़ा छोटा, तो इसको आपको जो इमेज इसको बड़ा कर लेना है, उसके हिसाब से वो कितना तक है बड़ा कर लेना है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, तो क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इससे पहले इसको उस पर सेट करने के लिए आपको सिंपल सा इसको आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ने के बाद आपको देखने को मिलेगा वो इस वक्त है। तो देखिए इतना उठा है, तो आपको इसको भी उस तक ले जाना है। तो आपको थोड़ा सा आगे करिए, हाँ देखिए देखिए इसी तरह का आपको लेना है। तो ये देखिए, तो ये तो इस टाइप का उठा है, उठने के बाद किस टाइप का जो लगती है, तो आपको इसी वाला आइकन को चूज़ करना है। तो ये देखिए ये तो दोनों एक हो गया, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लगा देना है, ताकि ये समझ में आ जाएगा, तो ये डबल नहीं है, तो अच्छा से फिट करना है। हाँ तो ये हो गया, तो आपको इससे
यहाँ ले आना है उसमें जो लेयर से लिया हुआ है दूसरा लेयर, तो आपको मेकअप कर देना है। मेकअप करने के बाद इससे कितना तक रखना है, जो इतना तक आदमी नहीं आ रहा है उतना तक रखना है। तो अब देखिए तो वो भी आ रहा है, जो मेरा मतलब ये इतना रखना है जो उनको पता नहीं चलना चाहिए ये अंदर बटल का अंदर गया। तो आपको इसको रख देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इस पर जाना होगा जो लेयर लिया, तो चाबी वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये चाबी वाला ऑप्शन पर जाना है, इसमें चाबी कर लेना है। तो और लास्ट में आ जाना है, लास्ट एकदम लास्ट आने के बाद प्लस जो देखने को मिल रही है आप ये प्लस में करके आप इसको छोटा कर देना है। देखिए छोटा करके मेरा मतलब इतना छोटा ताकि बोतल का अंदर घुस सके। तो अब देख सकती है बोतल का अंदर वो घुस गया। तो अभी इस वक्त आपको और भी एक लेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपको लेयर के लिए जाना पड़ेगा, लेयर पे जाना है और मीडिया पर जाना है। तो मैं मीडिया पर जाती हूँ और वही वो एक कमल का ऑप्शन ले लेती हूँ। तो देखिए ये ग्रीन कलर है, तो ये आप यूट्यूब पे ग्रीन कलर इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला। आप कुछ भी लेकर सर्च करिए या अपना डिस्क्रिप्शन पे दिया होगा लिंक को कॉपी करके आप यहाँ से डाउनलोड कर लेती है, ले सकती है। तो मैंने इससे एक पार्ट ले लेती हूँ, यहाँ से और एक पार्ट ले लेती हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को यहाँ ग्रीन कलर को रिमूव कर देना है। तो आपको ग्रीन कलर को रिमूव कर देती हूँ, इनेबल कर देती हूँ, आपको पता ही होगा ग्रीन कलर किस टाइप का रिमूव करना है। तो आप देखिए ये देखिए, तो इसको हाँ अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ले आना है, यहाँ लेना पड़ेगा। तो जब भी आप यहाँ जाएगा तो इस टाइप का होकर ख़त्म हो जाएगा, तो अभी वो आ जाएगा। तो इसका साउंड भी है, तो इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ इसका जो साउंड क्वालिटी है इसको रिमूव कर देना है, मतलब ज़ीरो कर देना है, और भी इसका इसका भी जो है इसका भी ज़ीरो कर देना है। तो आपका इस पर जो ही पार्ट होगा तो आप देख सकते हैं इस टाइप का होगा। तो अभी आपको प्ले करके देखने किस टाइप का हुआ है, तो ये देखिए ऐसा हो गया है। तो अभी फ़िलहाल वो आदमी आ रहा है जो पानी पीने के बाद, यह आपको स्टॉक कर देना है ताकि और थोड़ा सा आगे करके स्टॉक करना है, इतने तक स्टॉक करना है। करने के बाद आपको फिर से लेयर पर जाना है, तो दूसरा वाला जो इमेज है वो लेना है, जो ग्रीन कलर का वीडियोस वो ले। तो देखिए यही है ग्रीन कलर का वीडियोस, ये वाला वीडियोस आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको थोड़ा सा आगे करके इसको कट कर देना है ताकि आपको आगे वाला ऑप्शन समझ में आ जाएगा। तो आपको इसको कट कर देना है, देखिए इसको इतने तक कट कर देना है ताकि वो नाचते हुए बाहर निकल आइए। तो इसको मैं थीम कर देती हूँ, कट कर देती हूँ, थीम कर देती हूँ, जो आगे वाला पार्ट में कट कर दिया। तो इसको रिमूव करना है और इसका जो ग्रीन कलर है इसको रिमूव कर देती हूँ। और रिमूव करने के बाद यह जो नेम है इस नेम को भी हटाना है, तो नेम को हटा देती हूँ, फिर से लेयर पर क्लिक करती हूँ, ये वाला ऑप्शन चूज़ करती हूँ, इसको मैं कट कर देती हूँ। कट करके मैं इसको चेक बटन पर चेक करती हूँ और इससे मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये देखिए बड़ा कर देती हूँ। और इसमें थोड़ा एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा ताकि ये देखिए इस टाइप का नहीं है, ऊपर से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपको कौन सा अच्छा लगेगा, तो मैंने ऊपर से नीचे और तेज़ी में आना पड़ेगा, इस तरह का तेज़ी में आना पड़ेगा, जब भी वो फूकेगा तो और तेज़ी से आना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एनिमेशन थोड़ा ऐड करना है, तो ये वाला एनिमेशन जो इतने तक रहेगा आप देख सकती है। तो इसको फिलहाल मैं ट्रैप कर देती हूँ, देखिए जो चेक करती हूँ, चेक करने के बाद इससे थोड़ा देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये फेक है। तो इससे लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो चाबी वाला आइकन है इसको रिमूव, चाबी वाला आइकन है इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, छोटा करके मुँह का पास ले जाना है, चाबी को कर लेना है ओके, और यह आ गया फूकने, यह कर देना है चाबी, और इसको बड़ा बड़ा करके यहाँ ले आना है, यहाँ ले आना है ताकि उसको समझ में आ जाएगा ये आदमी का
कोई ख़ास चीज़ें देखकर चौंक जाती है। तो आपको इसको इस तरह का फिट करना है, और जो इसका प्रोसेस और एक ही तो इसका जो कमल का चीज़ है इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, ताकि हाँ ये देखिए देखने को मिल सकती है ये थोड़ी सी क्या चीज़ें। तो इसके ये देखिए, तो मैंने सिंपल सा थोड़ा प्ले करके देखती हूँ। ओह माय गॉड, ये हो गया, ये देखिए वो उठाया, ओ बापरे, हाँ ये देखिए वो नहीं चौक गया, वो तो नाचती हुई है यहाँ नाच रहा है। तो इसी तक इस वक्त ऐसा हुआ, तो इसमें आपको मैजिक ऐड करना है। तो मैजिक कैसे ऐड करने, तो वह कहती है ना की ओरे आयूरी माँ, तो इन सारी चीज़ को आप यहाँ लगा सकती है। तो फिर से लेयर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैंने लेयर इस्तेमाल करती हूँ। तो गया सबको इस वाला इसी टाइप का एक लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, ताकि इससे आपको थोड़ा आगे बढ़ा देना है, ताकि इसमें थोड़ा सा मैजिक जो है मैजिक को एडजस्ट कर लेना है। तो और यहाँ से सिंपल सा इसको कट कर देना है, मैजिक लेने का क्या ज़रूरत है। इसको मैं ऐसा करके ख़त्म कर देती हूँ। तो देखिए ये नहीं है, इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको इसका मैजिक क्या है, अयूरिमा देख सकती है, अयूरिमा इसको आपको फिट करना है इसी टाइप का। तो गाइस आपका वीडियो हो गया, तो आपको फिर से ये प्ले करके देखते हो किस टाइप का हुआ, कितना अच्छा हुआ और कितना मज़ेदार हुआ। तो आपको जो फाने के लिए ये अच्छा रह गया या कुछ कमियाँ है, आपको अच्छा से करके आपको थोड़ा टाइम देना है। टाइम देने के बाद ये अच्छा हो जाएगा, ये देखिए ओ माय गॉड, ओ यूरिमा इससे आ गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे अब भी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये देखिए आपको ये शेयर वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। शेयर वाला ऑप्शन पर जाकर इसको स्पॉट कर लेना है, आपका हिसाब से HD या फुल HD रखना है, स्पॉट कर लेना है। तो स्पॉट कर देती हूँ, ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये अपने आप हो जाएगा। तो अभी फिलहाल वीडियो यही है। तो गैस वीडियो कैसा लगा, आई होप वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो और नॉलेजेबल के साथ क्वालिटी वीडियो लाती रहती हूँ। तो तब तक के लिए मैं मिलती हूँ दूसरा किसी और क्वालिटी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका ख्याल रखना।